डॉ बाबासाहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर माय सेल्फ डॉ नैशल रावल working as an Assistant Professor at GLS University. I would like to welcome you all at Chaitanya Studio, Dr. Babasaheb Ambedkar Open University, Ahmedabad. Today we are going to focus on the part 2 of the unit 2 that is the block 4. In the last sessions we had discussed about the various interest rates theory, various Ricardian rent theory and we had also talked about the Keynes liquidity preference theory. So, according to the Keynes, what will be the demand for money? According to the Keynes, people hold demand for money just only because of uh, three motives. One is uh, transactions motive. Second is uh, speculations, and the third one is the precautions motive. In this uh, sessions, we will be covering about the uh, the theories related to the profit. So, in the previous uh, previous, we had talked about the interest. We had talked about the preferences. We had talked about the rent.

लास्ट कंटेंट विल बी द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट इतनी सारी प्रॉफिट की थियरीज में से कुछ ऐसी थियरीज जो एक्चुअल रियल बिजनेस में वो इम्प्लीमेंट हो सकता है ऐसी दो थियरीज के बारे में हम चर्चा करेंगे सो लेट अस मूव विद द फर्स्ट टाइटल दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क ठीक है प्रॉफिट क्या है एक ऐसी अर्निंग्स एक ऐसी इनकम एक ऐसा पैसा जो ऑंट्रोप्रेन्योर अर्न करता है ठीक है दस हजार उसने इन्वेस्ट किया आपके बिजनेस में और उसी दस हजार की वैल्यू हो गई पंद्रह हजार तो पांच हजार जो इंक्रीज हुआ है वो उसका प्रॉफिट रहेगा ठीक है अकाउंटिंग सेंस में उसको क्या कहते हैं कि वेन द टोटल कॉस्ट इज बींग सब्सट्रेक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू और टोटल रिसेट्स द फॉर्म रेसिड्यूल इज टर्म एज प्रॉफिट इक्वेशन फॉर्म में देखा जाए तो कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट दस हजार इन्वेस्ट किया है पंद्रह हजार तुमको मिल रहा है टोटल पंद्रह हजार तुमको मिल रहा है तो उसमें से तुम्हारी जो कॉस्ट कितनी गई दी थी कि दस हजार बाकी कितने बजे तो कि पांच हजार ये जो पांच हज़ार बचा वो तुम्हारा प्रॉफिट इकोनॉमिक सेंस में क्या कहते हैं तो इकोनॉमिक सेंस में ऐसा होता है कि टोटल रेवेन्यू यानी जितना पैसा तुमने जनरेट हुआ है तुम्हारे बिजनेस में माइनस टोटल एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट ठीक है अब देखा जाए तो कि प्रॉफिट को हम एडवांस में कभी कैलकुलेट नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे बिकॉज बिजनेस इज अनसर्टेन प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है लॉकडाउन आने से पहले कई सारे बिजनेस ऐसे थे जो पूरे के पूरे प्रॉफिट में थे बट ड्यू टू लॉकडाउन देर आर मैनी स्मॉल स्केल इंटरप्राइज और बिजनेसिस वेर मे बी शट डाउन और या तो उनको थोड़ा बहुत पैसे का दिक्कत आया था या जो प्रॉफिट बना हुआ था वो थोड़ा सा डिक्रीज भी हो गया बिकॉज इट इज़ अनप्रडिक्टेबल वी कैन प्रेडिक्ट इन एडवांस कि भाई मेरा अगले साल ना पचास हज़ार का मुनाफा होने वाला है राइट नो वन कैन प्रेडिक्ट हाँ एक ट्रेंड तुमको पता चलता है स्टेटिस्टिक्स के जरिए तुमको एक ट्रेंड या टाइमलाइन के जरिए ग्राफ के जरिए एक ट्रेंड हिस्टोरिकल डेटा से एक चीज पता चलेगी कि भाई इस बिजनेस के अंदर क्षमता है कि भाई तुम्हारा पैसे को तीन गुना कर सकता है तीन सौ गुना तक जा सकता है आज इन्वेस्ट करो तो दस साल के बाद इतनी वैल्यू हो सकती है होगी ये कोई गारंटी नहीं देगा बिकॉज अनसर्टेनिटी रहता है रिसेंटली वन ऑफ द कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे वे आर फेसिंग दी loss in their uh, market price because they had bought the com that company's share at the higher price and after that high level the price of that particular company got decreased by almost 50 to 60 percent mm -hmm. जो कि वो movement हमेशा से रहती है ups and downs रहता है तो वो जहाँ से गिरा था उस level पर वापस भी आ सकता है it depends on the company's productivity कितनी रहती है so what is profit तो कि what remains uh, to the firm रेवन्यू आफ्टर ऑल इनपुट्स है प्रॉफिट और क्या चीज है तो कि उसका एक अलग तरीका एक डिफाइन करने का कि जितना भी तुमने पेमेंट करना है जितनी भी इनकम तुमको मिली उसमें से तुमने पेमेंट कर दिया अंत में जो बचा कुटा निकलता है वो तुम्हारा प्रॉफिट है इकोनॉमिक सेंस में क्या कहते हैं कि प्रॉफिट इज लुक्ड अपॉन एज ए सरप्लस तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर दस हजार है और इनकम तुम्हारी पंद्रह हजार है तो ये जो सरप्लस हुआ ना उसको हम प्रॉफिट कहते हैं तुम्हारा एक्सपेंडिचर दस हज़ार है और इनकम तुम्हारी पाँच हज़ार है उसको हम डेफिसिट कहते हैं सो इकोनॉमिस्ट लोग प्रॉफिट के बारे में जब भी बात करते हैं तो दे थिंक प्रॉफिट एज ए प्योर बिजनेस प्रॉफिट विच इज इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एज वेल एब नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है एंड प्रॉफिट कैन बी नेगेटिव अगर प्रॉफिट नेगेटिव है तो उसको हम लॉस कहते हैं वी कैन नॉट नो द रेट ऑफ प्रॉफिट इन एडवांस ड्यू टू दिनसर्टिन बिजनेस में अनसर्टेटीज बहुत होती है बहुत सारे रीजंस भी फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं आपके बिजनेस को तो जिससे अपने प्रॉफिट के बारे में एक अंदाजा लगाना तो भी शायद हम लगा नहीं पाएंगे प्रॉफिट यहाँ पर दो प्रकार के हैं एक है अपना ग्रॉस प्रॉफिट दूसरा है अपना नेट प्रॉफिट ठीक है तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है सो so, प्रॉफिट एक्चुअली मीनस द ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस मतलब ज्यादा टोटल ओवर टोटल मनी ठीक है इन शॉर्ट ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इम्प्लिसिट रेंट प्लस एक्सप्लीसिट वेजिस सॉरी इम्प्लिसिट वेजिस प्लस इम्प्लिसिट इंटरेस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट प्लस डेप्रिशिएशन प्लस नॉन एंटरप्रेन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अब नेट क्या है तो कि प्योर जो उसमें से तुमको इतना सब कुछ पेमेंट करने के बाद में मिलता है वो किसका पेमेंट गुड्स एंड सर्विस एफिशिएंसी सो so, नेट प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है तो कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट तुमको जो मिला उसमें से तुम माइनस करो क्या क्या चीजें माइनस करनी है तो कि इम्प्लिसिट रेंट इम्प्लीसिट वेजिस इंप्लीसिट इंटरेस्ट नॉर्मल प्रॉफिट डेप्रिशिएशन एंड नॉन एंट्रोप्रेन्यूअल प्रॉफिट को तुम माइनस करते हो तो तुमको मिलता है नेट प्रॉफिट प्रॉफिट तुमको मिलता कहां से है कौन कौन से सोर्सेज से तुमको प्रॉफिट मिलता है एग्जिस्ट अ लैक ऑफ एग्रीमेंट्स अमॉन्ग द इकोनॉमिस्ट अबाउट द ट्रू सोर्स ऑफ प्रॉफिट वेरियस इकोनॉमिस्ट है ट्राइड टू फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ प्रॉफिट देर आर मेनी सोर्सेज बट जेबी क्लर्क ने यह कहा है कि द ओरिजिन ऑफ द प्रॉफिट इज बिंग एट्रीब्यूट टू द डायनामिक इकोनॉमी कंपेटिटिव प्योर कम्पेटिटिव स्टेटिक इकोनॉमी प्योर प्रॉफिट विच टेंड्स टू बी जीरो जोसेफ सुपीटर ने यह कहा है कि बिजनेस में समथिंग इनोवेटिव होना चाहिए फंडामेंटल सोर्स ऑफ प्रॉफिट राइट सुपीटर एम्फेसिस मोर ऑन द इनोवेटिव आइडिया समथिंग न्यू हॉली नाम के अर्थशास्त्री ने यह कहा है कि दोजू कंसिडर्स द रिस्क दैट इज़ द प्रॉफिट इफ द रिस्क इज हाई प्रॉफिट इज विल ऑल्सो हायर एफ एच नाइट यह कहता है प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी You don't know the actual source, right? Robinson, Chamberlain and Kellichi ने ye bhi kaha hai ki profit determined by the degree of monopoly power, which is being enjoyed by the entrepreneur in the market for his product. Now what is monopoly? पूरे market में तुम एक ही हो selling करने वाले और उसमें से जो पैसा मिलता है वो तुम्हारा profit and profit can be abnormal. राइट right? कोविड 19 इज द बेस्ट एग्जांपल फार्मा कंपनीज वेर लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ फार्मा कंपनीज वेर देयर इन द प्रॉफिट लेकिन दूसरे कंपनीज की तुम बात करते हो तो, शायद देयर वेर डिक्रीज इन द प्रॉफिट वो लॉस में थे बट uh, प्रॉफिट के अंदर लॉस था उनका तो कौन से लोग ज़्यादा चला था कि भाई ऐसी सिचुएशंस में जिसका मोनोपोली पावर होता है जिसकी डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर हाई रहती है उसी लोगों का प्रॉफिट बनता है ऐसा कौन मानता है तो कि रॉबिन्सन माना चेंबरलिन बोला और कैलेजी बोला इट इज़ बिंग डिटर्मेंट सो एग्जैक्ट सोर्स ऑफ प्रॉफिट डिटर्मिनेशनस के बारे में देखा जाए तो वो बहुत कम लोगों को uh, ये कहीं ना कहीं उचित नहीं होगा कि एग्जैक्ट सोर्स कहना कि एग्जैक्ट सोर्स कौन सा है ठीक है तो हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है क्लर्क कहता है कि डायनामिक इकोनॉमी होना चाहिए स्टैटिक इकोनॉमी होना चाहिए सुपीटर बोला इनोवेटिव करो कुछ होना चाहिए ठीक है सो नाउ वॉट डज डायनामिक थियरी ऑफ प्रॉफिट मीन अब जेबी क्लर्क ने बोला तो सही कि डायनामिक थियोरी का मतलब क्या है जेबी क्लर्क क्या कहता है कि डायनामिक चेंजेस इन इकोनॉमिक शुड बी रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल कॉजेस ऑफ इमरजेंस ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट इज अ सरप्लस ओवर दी कॉस्ट सो क्लर्क के मुताबिक जनरल चेंजेस क्या क्या सी कौन कौन सी हो सकती है जो प्रॉफिट को बढ़ावा दे सकता है तो कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस समय के साथ साथ वो भी चेंज होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजायर एंड दॉन्ट्स कैपिटल फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चरल चेंजेस राइट रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस किए धीरे धीरे करके वो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वॉल्व होने गया है अभी रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल भी मार्केट में आने वाले हैं जो कि वो रिलायंस एंटरप्राइज में से अलग नहीं किया गया है बट प्रॉफिट अगर बढ़ाना है तो उसको अलग कर भी सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट राइट पहले सिर्फ नोकिया का फ़ोन आता था मोबाइल फ़ोन वो भी कीपैड वाला आता था उसमें से कैमरा uh, वाला फ़ोन आया उसमें से रेडियो वाला फ़ोन आया उसमें से मेमोरी कार्ड वाला फ़ोन आया उसमें से एंड्रॉयड आया द मोमेंट एंड्रॉयड वर्जन लॉन्च इन टू द मार्केट देर वेर अदर कंपनीज ऑल्सो तो थ्रू द एंड्रॉयड वर्जन वी कैन डू एनी थिंग इन अवर फोन पूरा का पूरा टी वी हमको फ़ोन में दिखता है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट 3G जी इंटरनेट सर्विस फोर जी इंटरनेट सर्विस ना वर्ट इज वी आर मूविंग टू वर्ड्स दी इंटरनेट सर्विसेज एडवांस टेक्नोलॉजीज

यही चीजों को उसने हाईलाइट uh, किया है अकॉर्डिंग टू द टॉसिंग के बारे में बात करें तो ही अबाउट टॉक्उट आर्टिफिशियल इकोटॉमी ऑफ द प्रॉफिट एंड द वेस्ट मैनेजमेंट क्लर्क की थियोरी सजेस्ट करती है कि ऑल द डायनामिक चेंजेस शुड लीड टू द प्रॉफिट यानी यहां पर जो हमने छ पॉइंट्स बताए हैं वो सबके सब, सब प्रॉफिट को लीड करते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स uh, में ये होता है कि भाई जिन्होंने थियोरी दिया है इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड बाय बीन ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड बाय बाई समवन एल्स दूसरे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग्स होती है या लिमिटेशंस होती है और उसी शॉर्टकमिंग्स और लिमिटेशंस को वो लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अनप्रेडिक्टेबल चेंज वुड गिव राइज टू द प्रॉफिट प्रेडिक्टेबल चेंज विल नेवर कॉज सरप्लस टू द इमरजेंसी ऑफ योर अकाउंट क्लर्क की थियरी ये भी कहती है कि वो स्टेशनरी स्टेट को ही अफेक्ट करती है फ्रैक्शनल प्रॉफिट बट द कंसेप्ट ऑफ दिस फ्रिक्शनल प्रॉफिट इज not reliable and the normal profit is being earned only on the stationary state element of the risk is being involved clerk ne risk ke bare mein koi charcha hi nahi kiya hai right so to understand the risk and the dynamic changes the true nature of profit in the modern economy let us see the modern theory. अब तक था वो क्लासिकल लोगों ने और ट्रेडिशनल लोगों ने क्या क्या कहा था वो था अभी मॉडर्न थियरी ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है तो पिछली थियोरी में हमने लास्ट में देखा कि भाई वो लोग रिस्क और चेंजेस डायनामिक चेंजेस को इग्नोर करते हैं ठीक है सो लेट अस टॉक अबाउट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रॉफिट मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज टेकिंग कंसिडरेशन अबाउट द रिस्क एंड द अनसर्टेनिटी इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक आइडियाज टू स्टेज ऑफ थियरीज इज बिंग डेवलप्ड वन इज रिस्क बेयरिंग थियरी एंड द सेकेंड इज द अनसर्टेनिटी बेरिंग थियोरी पहले वाली जो है वो हॉली ने प्रेजेंट किया हुआ है बट इट हैड मैनी शॉर्टकमिंग्स दूसरी वाली जो है वो नाइट uh, प्रोफेसर नाइट ने uh, उसको प्रेजेंट किया गया था विच इज सेड दैट और विच मेड एंड द इम्प्रूवमेंट ओवर इट एंड प्रेजेंटेड एज अ रिफाइंड वर्जन कॉल्ड अनसर्टेनिटी बैरिंग थियरी ठीक है अब रिस्क बैरिंग थियरी क्या कहता है इट इज़ वन ऑफ द यूनिक फंक्शंस ऑफ द एंट्रप्रेन्योर मार्शल ने ये टैग दिया है एंड हॉली ये कहते हैं कि भाई कैटेगरीली अट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट टू मी कम्पन्शन पेएबल टू दर एंट्रप्रेन्यर जो होता है वो जो रिस्क बिजनेस में इन्वॉल्व लेता रिस्क लेता है और उसको जो पेमेंट हायर मिलता है दैट इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट कम्युनसूरेट विथ रिस्क द मोर रिस्क द हायर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट विल बी देयर प्रोफेसर हॉलैंड इज सेइंग द रिस्कियर द फर्म द हायर द प्रॉफिट रेट तो शेयर मार्केट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जिन लोगों को रिस्क लेना ज़्यादा पसंद होता है तो वो प्रॉफिट ज़्यादा करता है लॉस भी होता है ठीक है वो कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है वो इसी के जरिए कहा है कि इफ़ यू आर ए रिस्क टेकर और बिजनेस में रिस्क टेकर कौन होता है तो कि ऑन्ट्रोप्रेन्यर वो ज्यादा से ज़्यादा रिस्क आपके बिजनेस में लगाते हैं इफ दे आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिटर्न तो वो नेगेटिव में जाएगा अगर जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट मिला तो वो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा रिस्क भी तो उतना ले रहा है वो फिर तो प्रॉफिट बनता ही है राइट ठीक है सो इकोनॉमिक्स में जैसे कहा है कि वही हर एक थियरीज को कहीं ना कहीं क्रिटिक्स किया गया है तो इसका भी एक क्रिटिसिजम्स निकला था यहाँ पर यह कहते हैं कि देर इज अ नो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट हमने एजेंशन में पहले थियरी में यही देखा कि भाई अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है बट यहाँ पर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि वहाँ प्रॉफिट uh, और रिस्क के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है दो जू अंडरटेक द हाई रिस्क इन द सर्टिन बिजनेस मे नॉट नेसेसरी टू ऑन द प्रॉफिट बात भी सही है राइट तुमने रिस्क लिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा प्रॉफिट कम भी हो सकता है इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग योर बिजनेस और द वेरियस पॉलिसीज अफेक्टिंग योर बिजनेस So, to this, some critics, profit is not based on the entrepreneur's ability to undertake the risk of the business, but rather on his capability of risk avoidance. Kesa apna scenario, economic scenario kam karta hai market mein, hisab se risk lena chai entrepreneur ko. And this theory disregards many other factors which are connected to the profit and they just concentrate more on the risk side. So, now what is uncertainty? यू डोंट नो वॉट्स गोइंग टू हैपन बिजनेस में तो रिस्क होता है तो वही आपको पता है कि रिस्क लेने से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा अनसर्टिनटी में कुछ पता ही नहीं होता है सो अनसर्टिनटी बैरिंग थियरी ऑफ प्रॉफिट इज वन ऑफ द इम्प्रूव वर्जन ऑफ द हलिज रिस्क बैरिंग थियोरी विच इज बींग प्रोफाउंडेड बाई द प्रोफेसर के एच नाइट एफ एच नाइट दिस प्रोफेसर नाइट के मुताबिक प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ द एंटरप्रिनर इज बींग अनसर्टिनटी बैरिंग

रहता है सो so, प्रोफेसर एफ एच नाइट ने बहुत अच्छे तरीके से हॉली की थियोरी को एक इंप्रूव करके समझाने की कोशिश की थी अब रिस्क में भी दो प्रकार के रिस्क होते हैं। एक होता है इंश्योरेबल दूसरा होता है नॉन इंश्योरेबल इंश्योरेबल क्या होता है कि भाई मैनी रिस्क इज़ बीइंग इन्वॉल्व इन द बिजनेस उसमें से कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं जैसे कि फायर थेप्थ फ्लड एक्सीडेंट राइट कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जो हो जिसके अपने रिस्क को प्रडिक्ट कर सकते हैं देट इज़ नोन एज इंश्योरेबल रिस्क एंड इफ वी कूड नॉट प्रडिक्ट द रिस्क दैट इज कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल इन द डिफरेंसेज बिटवीन लाइज इन द फैक्ट दैर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेटिस्टिकल प्रडिक्शंस दिस स्टेटिस्टिकल प्रडिक्शंस मे बी रॉन्ग और कैन नॉट बी प्रूव हंड्रेड परसेंट करेक्ट इट डिपेंड्स प्योरली ऑन दी कंसेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी राइट right, अपना दुकान है छोटा सा और पूरे बारह पंद्रह घंटे तक दुकान में काम करने के बाद हम उसको बंद करके घर की तरफ़ जाते हैं रात को और एकदम से अगर गर्मी बढ़ जाती हो या तो शायद शॉर्ट सर्किट होता है तो शायद हो सकता है कि भाई आग लग जाए दुकान में उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो क्योंकि वो इंश्योरेंस है इंश्योरेंस कंपनी आएगी फिर वो दे इंस्पेक्ट करेगी और फिर पैसा देने की बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है सो so वो भी एक स्टडी में ये करेंगे कि भाई जितने लोग प्रीमियम पे करते हैं और कितने लोग क्लेम करते हैं उसका भी एक प्रडिक्शंस uh, होता है सो इंश्योरेंस प्रीमियम इज बींग पेड विच आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस कोई भी प्रोडक्ट का कीमत अगर दस हज़ार है पचास हज़ार है या तो लाख रुपया है उसमें ये रिस्क में जो पैसे इन्वॉल्व है वो भी शामिल हो चुका है एंड दस इट फॉलोज दैट प्रॉफिट कैन नॉट बी रिवॉर्ड फॉर सच इंश्योरेबल रिस्क उसमें से प्रॉफिट तुमको मिलता नहीं है देर आर रिस्क विच इज अनसर्टेन इनकेल्क्युलेबल पता ही नहीं चलेगा तो कैसे प्रकार के रिस्क होते हैं जिसको इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है सो नॉन इंश्योरेबल रिस्क कौन कौन सा है तो कि प्रोडक्ट के बारे में जो डिमांड फ्लक्चुएट होती वो, है वो दूसरा है ट्रेड साइकल्स, डिप्रेशन आया रिसेशन आया मंदी आ गई मार्केट राइट टेक्नोलॉजिकल चेंज सडन चेंज इन टेक्नोलॉजी हमने बिजनेस शुरू किया है मोबाइल फोन बनाने का तो 3G और 4G को सपोर्ट करे ऐसा ही फोन बनाए लेकिन उतने में 5G मार्केट में आ गया तो तुमको ऐसा भी फोन बनानी पड़ेगी जो 5G को सपोर्ट करता है राइट कॉम्पिटिशन्स मार्केट में आपके अलावा कितने सारे लोग द सेम काइंड ऑफ बिजनेस करते उसमें यदि अगर तुम लॉस करते हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी कवर करके नहीं देगी स्ट्रक्चरल चेंजेस नाइनटीन नाइनटी वन एल पी जी रिफॉर्म वॉज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंज लिबरलाइज प्राइवेटाइज एन द ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे दैट इज अ स्ट्रक्चरल चेंज टू थाउजेंड सिक्सटीन की जो डीमॉनिटाइजेशन हुई थी मॉनिटरी पॉलिसी में स्ट्रक्चरल चेंज आया था उसके बाद ऑनलाइन बिजनेसिस काफ़ी सारे बढ़ चुके थे ऑनलाइन पेमेंट बिजनेसिस बढ़ चुके थे गूगल पे से लेकर पे टी एम भीम एप्लीकेशन एमेजॉन पे व्हाट्सएप पे ऑफिशियली कितना पेमेंट्स मेथड uh, किया जाता है वो देखने वाली बात है यूजर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूजर्स बढ़े गए थे आफ्टर द डिमोनिटाइजेशन ऑफ 2016 एंड दी उसके छह आठ महीने के बाद फर्स्ट जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया था तो दैट इज ऑल्सो रिजल्ट इन टू इंश्योरेबल रिस्क सॉरी पार्ट ऑफ द नॉन इंश्योरेबल रिस्क चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज द लेटेस्ट एग्जाम्पल हमने दिया था गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर चेंज होती है तो तुम्हारी कंपनी को वो प्रॉफिट में लाएगा या तो लॉस करेगा डिपेंड करता है ठीक है सो वॉट आर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज तो कि फिजिकल पॉलिसी आती है उसमें राइट फिजिकल पॉलिसी मतलब चेंजेस इन द टैक्सेस टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स जी एस टी इज़ वन ऑफ द रिफॉर्म इन द टैक्सेशन पॉलिसी और द गवर्नमेंट पॉलिसी मेजर रिफॉर्म इम्फैक्ट एंड आउटब्रेक ऑफ वॉर करंट वॉर सीनारियो बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन और वहाँ पर वॉर हुआ है तो उसका असर तुम्हारे मार्केट में कैसा होगा तुम्हारे बिजनेस को कैसा असर होगा ट्रेड साइकिल टेक्नोलॉजिकल चेंज कॉम्पिटिशन स्ट्रक्चरल चेंज चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी आउटब्रेक ऑफ वॉर नॉन इंश्योरेबल इसकी कोई इंश्योरेंस uh, कंपनी आपको प्रीमियम नहीं देती आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा पहले वाले में क्या था तो कि भाई इंश्योरेंस यू आप यू आर पेइंग प्रीमियम ईयरली प्रीमियम पे करते हो दस हज़ार बीस हज़ार पचास हज़ार लाख रुपया दस लाख रुपया डिपेंड करता है वो कि तुमने कौन कौन सी चीज़ों का इंश्योरेंस लेकर रखा है तो रिस्क आर टू टाइप्स है इंश्योरेबल एंड दी नॉन इंश्योरेबल इंश्योरेबल जो है उसका इंश्योरेंस मिलता है लॉस गया तो वो आपको कंपनी पैसा देगी और नॉन इंश्योरेबल है तो ये सारे रीजन से उसके एग्जाम्पल्स है और इसके कारण अगर लॉस जाता है तो वो कंपनी पैसा नहीं देगी इसी थियरी के क्रिटिसिजम्स भी बना गया था एक नाइट इज बींग फेल्ड टू डिफरेंसेस बिटवीन दी ओनरशिप एंड दी कंट्रोल ऑफ दी जॉइंट स्टॉक कंपनी यदि अगर पार्टनरशिप्स है या तो जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो हु इज गोइंग टू कंट्रोल मेजोरिटी ऑफ़ द कंपनीज़ आर बीइंग इन द हैंड ऑफ द सैलरीड मैनेजर असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स जो लोग होते हैं उसके हाथ में सारे डिसीजंस और पावर ज़्यादातर रहते हैं तो ऐसे कंपनीज क्या उन्होंने इग्नोर किया है इस थियरी में एंड थियरी डज नॉट सुल वेल टू द एक्सपोज टू द फनोमन ऑफ द मोनोपोली प्रॉफिट ये जहाँ मोनोपोली है जहाँ सिंगल सेलर है वहाँ पर यहाँ कोई गिनती करता नहीं है सो देर इज़ अ लीस्ट अनसर्टेनिटी एलिमेंट विच कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड टू इम्प्यूट द प्रॉफिट एंड द

प्रॉफिट वर्क एज ए रिवॉर्ड फॉर एंटरप्राइज एंड द इनोवेशन इनोवेशन किस में करना है बिजनेस में अगर वो सक्सेस गया तो ही तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा इनोवेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द फर्म आर द रियल जॉब्स ऑफ एंट्रप्रेन्योर अब क्या इनोवेट करना है न्यू एक्टिविटीज इनोवेशन मीन्स द कॉमर्शियल एप्लीकेशन न्यू साइंटिफिक इन्वेंशन

इट नॉट जनरेट द प्रॉफिट ठीक है सो so, इनोवेशन दो प्रकार के सबसे पहला है प्रोडक्ट में इनोवेट करो दूसरा है मार्केट में इनोवेट करो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कैसे प्रोडक्ट इनोवेट काम करता है और वो प्रॉफिट को लीड करता है तो कि देर आर समेक्निकल इंप्रूवमेंट चेंजेस इन द मैथ प्रोडक्शन चेंजेस इन द मैथर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ योर प्लांट विच अफेक्ट द कॉस्ट क्वालिटी ऑफ दी प्रोडक्ट कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक है इंट्रोड्यूस्ड बाई द फॉर्म कोई भी बिजनेस होता है उसका एक एक ही मोटिव होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को कैसे मिनिमाइज किया जाता है तो अगर ये भी हो सकता है कि जहाँ दस लोगों का एम्प्लॉय का जरूरत है्यूमन रिसोर्स है के तौर पर उस दस के बदले पर अगर कोई मशीनरीज कंपनी में लेकर आए तो डेफिनेटली मशीनरी विल रिजल्ट हायर कंपेयर टू द प्रोडक्शन्स बींग डन बाई द ह्यूमन रिसोर्स टेम्पररी द हाई रेट ऑफ प्रोफिट तो वो क्या करेगा अगर मशीन आया है अगर एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस uh, करता है तो मशीन क्या करेगा कि कम समय में वो प्रोडक्शन ज़्यादा करके देगा और अगर एम्प्लॉयज़ है तो ज़्यादा समय में प्रोडक्शन वुड भी लेस सो जोसेफ़ सुपीटर ये भी कहता है कि भाई टेक्निकल इंप्रूवमेंट होनी चाहिए आजकल प्राइवेट बैंकिंग्स में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होता है ऑनलाइन बैंकिंग जाता है ज़्यादातर बैंकिंग हैव बिन देर ओन प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग जस्ट एंटीर लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड यू आर एबल टू डू यू आर एबल टू ट्रांसफर मनी वेर एवर वॉट एवर हमसेवर अमाउंट यू वॉन्ट इट डिपेंड्स दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इन द इनोवेशन यू डोंट नीड टू गो टू द बैंक एंड स्टैंड इन द लाइन फॉर योर टर्न एंड फिर एक कागज़ में साइन करके देते हैं और फिर वो अपना काम करेंगे डायरेक्ट इनोवेशन से हो ही सकता है किसी से तुम अगर ए टी एम के जरिए तुम पैसा विद्रॉ कर सकते हो यू don't need टू गो into टू bank बैंक भी चेक में लिखा होगा और फिर आपको विड्रॉ करना है नहीं आपको एटीएम से कार्ड से इंसर्ट करना है और आपको वो पैसे मिल जाएंगे सो दैट इज द प्रोडक्ट इनोवेशंस मार्केट इनोवेशंस क्या है इन्फ्लुएंस बाय द मार्केट डिमांड ऑफ योर कंपिटेटिव फॉर्म डिस्कवरिंग और the new market, introducing the new variety of the product, product improvement, new इम्प्रूवमेंट न्यू मॉडल ऑफ योर प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा कि भाई हमारे कंपनी का वॉशिंग पाउडर यूज करने से कपड़े की सफाई एकदम अच्छे तरीके से होगी टेलीविजन्स में एक एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है कंपेरेटिव एनालिसिस करता है एक एक्स वाई जेड कंपनी रखी है और एक नई कंपनी मार्केट में लॉन्च हो रही है वो दोनों का एक वॉशिंग पाउडर का एडवर्टाइजमेंट्स बनाकर देता है तो ये भी एक मार्केट इनोवेशन है राइट डिस्कवरिंग द न्यू प्रोडक्ट या मॉडिफाइंग द सेम प्रोडक्ट बजाज पल्सर का मैं एग्जांपल दूँ तो सबसे पहला जो पल्सर मॉडल था उसकी हेडलाइट्स ना सर्कुलर फॉर्म में आती थी गोल शेप में आता था और मीटर वही पुराने ज़माने का मीटर आता था कि वो सुई आ, आपका स्पीड गंज कितना दिखा रहा है सुई मीटर कितनी दिखा रही है नंबर वाले मीटर आते थे नाव वट यू माइट फाइंड द डिजिटल मीटर यू माइट फाइंड द ब्लू कलर एल एंड द मीटर स्क्रीन्स राइट right? गाड़ी के अंदर जो मीटर बॉक्स आता था वो मीटर में येलो लाइट्स आती थी अभी उसमें भी वाइट एलईडी आता है रेड कलर का आता हो या डिफरेंट कॉम्बिनेशनस ऑफ लाइट्स इज बीइंग यूज्ड प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन्स यहाँ पर आती है सो दिज आर द सम इनोवेटिव आइडियाज़ फॉर द बिजनेस जो प्रोडक्ट uh, इनोवेट होता है और मार्केट इनोवेटिव तो जोसेफ सुपीटर के आधार पर क्या कहता है वो एक यही कहता है कि अगर प्रॉफिट को अर्न करना है या प्रॉफिट ज़्यादा लेना है तो न्यू इन्वेंशन शुड बी there and if the new invention does not work he ignore this concept so in short Jupiter's innovation innovation's theory of profit is a functional theory and essentially this implies the uncertainty because innovator earns uncertainty so uncertainty induces the profit entrepreneur earn profit not only for the innovation but also for bearing the risk that includes non-insurable as well as uncertainty in the business activity. After the innovative theory, let us move with the concept of theory or the rent theory of the profit. American economist uh, F. A. Walker propounded rent theory. ही वॉज द ओनली वन और फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ डिस्टिंशन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द ऑन्टरप्रेन्योर इन द इंग्लिश इकनॉमिक थियरी कैपिटालिस्ट मतलब जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है या तो फ्री मार्केट इकोनॉमी रहता है एंड डिफरेंशिएटेड बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द एंट्रोप्रेन्योर एंड एंट्रप्रेन्योर नीड नॉट टू बी अ कैपिटालिस्ट ही इज अ प पर्सन हु मे अंडरटेक अ बिजनेस विदाउट यूजिंग एनी ऑफ हिज ओन कैपिटल सो वॉकर के मुताबिक प्रॉफिट क्या होता है तो क्योंकि रेंट ऑफ एबिलिटी होता है जस्ट एज एड देर आर द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द लैंड डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ द एंट्रप्रेन्योर लिस्ट एफिशिएंट एंट्रप्रेन्योर विल रिकवर हिज द कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन एंड नथिंग बिसाइड जो लोग रिस्क ले सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेगा और जो रिस्क नहीं ले सकता तो हो सकता है हो सकता है शायद वो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर वो बाहर निकल भी जाए So rent arises just only because of differential advantage enjoyed by the superior land over the marginal land and the profit is thus like the rent and like rent it does not enter into the price wage of management are not a part of the profit wages of management thus being paid to keep up the given supply of entrepreneur and they enter into the dynamic theory after the rent theory of profit let us go with the जेबी क्लर्क जिन्होंने डायनामिक थियरी के बारे में बात की थी ही सेड दैट एवरीथिंग इज बीइंग नोन एंड नोनेबल एंड कैन बी एक्यूरेटली फोर्सिंग नो रिस्क हैंड्स नो प्रॉफिट इफ यू कैन नॉट टेक अ रिस्क इन द बिजनेस तो तुमको प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है सो इन स्टैटिक स्टेट प्रॉफिट विल डिस एंटरप्रेनर विल ओनली अर्न वेजिस ऑफ द मैनेजमेंट सो वॉकर रिगार्ड्स द प्रॉफिट एज अ पार्ट ऑफ द रेंट एबिलिटी देर आर डिफरेंट्स Okay. Let us move with the criticisms. Knight's theory is being opinion that only those changes which cannot be foreseen and which cannot be provided in advance will yield the profit not others. He says it cannot then it can be change which cause a profit. Law of change is known the fact is largely case no profit can arise. Changes may occur cause Sorry, may cause a situations out of which profit will be made, and if it bring about the ignorance to the future. So thank you very much. Uh, here we had concluded with the theory of rent, theory of interest, theory of the profit, and we have completed with the unit two. That is the part of the various theories: rent, interest, and the profit in the next sessions we will be talking about the market failure consumer surplus and the externalities which leads to the so finally I am once again thankful to you we had gone through the various rents theory interest rates theory and the how interest rates is being determined that also includes the theory of the profit given by the various. Economist like Joseph Schupeter, J. B. Clark and F. H. Knight. Thank you very much.